गाइस आज है विली जीप का पार्ट टू वाला वीडियो। आज इसको मैं पहली बार चलाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि इस तरह की मेरे पास एक और जीप है, उसका साइज काफी ज्यादा छोटा, उसको भी आज मैं लेके आ चुका हूँ। यार इसका साइज देखो, इसका साइज देखो, एकदम जमीन आसमान का फर्क मेरे को लग रहा है। बाकी दोनों का डिजाइन बिल्कुल सिमिलर है। इसको मैंने सिर्फ 6,000 रुपीज में खरीदा था, इसको पता है 65,000 रुपीज में खरीदा है। बाकी आप इसके ऊपर देख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके का डिजाइन है, इसके ऊपर भी उसी तरीके का डिजाइन है। सामने जो भी बिल्कुल दोनों सिमिलर से ही दिखाई दे रही है। दोनों के अंदर सेम हेडलाइट्स दिए गए और दोनों के अंदर सेम वेपन्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। पर एक चीज है गाइस, इसके अंदर आप ऊपर की तरफ छत भी लगा सकते हो। इसके अंदर छत वगैरह नहीं दी गई है, मशीन गन भी लगा दी है। इसके अंदर रियल कार जैसी सीट्स मिलती है। इसके अंदर देखो आपको ज्यादा मॉडिफिकेशंस देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी स्पीड भी गाइस सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। पर इसकी स्पीड आज मैं चेक करने वाला हूँ और आज इसके साथ फाइट कराने के लिए देखो TRX 4 स्पोर्ट्स कार को भी लेके आ चुका हूँ। आपको पता होगा गाइस ये कार इतनी मस्त तरीके से ऑफ रोडिंग कर सकती है। आज देखते हैं गाइस क्या ये कार अपनी नई जीप को हरा पाएगी या फिर नहीं। साथ में जिम्नी की भी फाइट कराऊंगा मैं जीप के साथ, और न्यू वाली जिम्नी भी मैं लेके आ चुका हूँ आज जीप के साथ फाइट कराने के लिए। देखते हैं गाइस कौन जीतता है। बाकी अगर मैं साइज की बात करूँ तो TRX 4 स्पोर्ट बिल्कुल जीप जितनी है, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम टू सेम है, ये थोड़ी सी लेंथ में छोटी है जीप के मुकाबले में। चलो गाइस कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखते हैं हमारी विली जीप आज इन सबको हरा पाएगी या फिर नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी स्टीयरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल जिम्नी जैसी स्टीयरिंग इसके अंदर भी दी गई है। पर इसकी स्टीयरिंग मेरे को जिम्नी से भी ज्यादा टेक्टाइल लग रही है। फटाफट से इसको मैंने यहाँ पे मिट्टी के अंदर दौड़ा दिया है। कार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, इसकी बैलेंसिंग बहुत ही मस्त मेरे को लगी, ब्रेक्स भी एकदम स्टैंडर्ड वाले इसके अंदर दिए गए। बाकी यहाँ पे देखो मैं इसको हाई स्पीड में भी गोल गोल घुमा रहा हूँ तो ये कार बिल्कुल भी पलट वलट नहीं रही है। अब इसको थोड़ा सा ड्रिफ्ट वगैरह भी करा के देख लेते हैं। मेरे को लगा था कि पतले से व्हील्स होने के कारण ये सही तरीके से ड्रिफ्ट नहीं करेगी, पर देखो यार बहुत ही तगड़े तरीके से मिट्टी के अंदर ये कार ड्रिफ्ट कर रही है। और इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा लचीली है गाइस, इस वजह से इसको चलाने में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है यार। दोस्तों मैं TRX 4 स्पोर्ट को भी बहुत हाई स्पीड में चला के देखने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा टर्न कराने की कोशिश की हाई स्पीड में, देखो ये इस तरीके से बार बार पलटने लग रही है क्योंकि इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी खराब है। ये कार जीप से भी अच्छी ड्रिफ्टिंग कर सकती है। देखो गाइस इसकी कंट्रोलिंग बहुत ही मस्त होने के कारण इसको चलाने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। अब मैं मिलिट्री जीप की रेस कराने वाला हूँ हमारी जिम्नी के साथ। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। यहाँ पे अभी तक विलीज मिलिट्री जीप थोड़ा सा आगे निकल चुकी है। यहाँ पे जिम्नी पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए, पर विलीज जीप के अंदर 2 गियर्स होते हैं। अभी मैंने इसके अंदर सेकंड गियर लगा दिया है। देखो ये बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। यहाँ पे क्लाइंबिंग भी आ चुकी है, ये काफी आराम से क्लाइंब कर चुकी है, पर इसके व्हील्स थोड़े से पतले होने के कारण देखो इस पत्थर के ऊपर यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही थी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स करके ऊपर चढ़ा दिया है। फाइनली आप देखते हैं क्या जिम्नी भी ये क्लाइंबिंग कर पाएगी या फिर नहीं। जिम्नी के अंदर पावर बहुत ज्यादा है गाइस, इसके व्हील्स भी काफी चौड़े होने के कारण देखो सिंगल अटेम्प्ट में ही ऊपर चढ़ चुकी। पर क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो विली जीप की जो स्पीड है ऑफ रोड में ये जिम्नी से बहुत ज्यादा है। अब मैं आ चुका हूँ एकदम खतरनाक से कीचड़ के अंदर और पानी के अंदर। यहाँ पे रेस कराएंगे विलीज मिलिट्री जीप वर्सेस जिम्नी के बीच में। देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। देखो गाइस इतना ज्यादा पानी है कि ऑलमोस्ट दोनों कार आधी आधी तक पानी के अंदर डूब चुकी है। यहाँ पे जिम्नी फंस चुकी है कीचड़ के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके निकालने की भी कोशिश कर रहा था पर जिम्नी बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री जीप देखो यार बहुत स्मूथली बहुत आराम से चल रही थी। अब एक काम करते हैं जिम्नी को पीछे से धक्का मारते हैं मिलिट्री जीप से, देखते हैं निकल पाएगी या फिर नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं निकली थी, सेकंड अटेम्प्ट में जिम्नी यहां से निकल चुकी है। मैंने जिम्नी को थोड़ी दूर चलाया ही था वापस से ये कीचड़ के अंदर फंस गई थी। फिर मैंने देखा कि ये इस बार कुछ ज्यादा ही कीचड़ के अंदर फंस गई थी। अब मेरे को नहीं लगता गाइस इसको मिलिट्री जीप भी यहां से बचा पाएगी। मिलिट्री जीप को मैं कीचड़ के अंदर से बाहर निकालने ही वाला था, उतने में ही मिलिट्री जीप भी कीचड़ के अंदर जाकर फंस गई थी। इसके पतले से व्हील्स के ऊपर ग्रिप प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही थी। फिर गाइस मेरे दिमाग में आया एक आइडिया, मेरे पास है ट्रैक्शन बोर्ड एक्सेस TRX 4 के ऊपर। मैंने लगाया इसके पीछे के व्हील के अंदर एक ट्रैक्शन बोर्ड और सामने के व्हील के नीचे भी एक ट्रैक्शन बोर्ड लगाया है। देखते हैं गाइस अब इसको यहां से ट्रैक्शन बोर्ड की हेल्प से मैं निकाल पाऊंगा या फिर नहीं। थोड़ा सा इसको पीछे लेके सेकंड गियर में डाल के जैसे ही फुल ट्रिगर दिया है काफी आराम से यहां से अपनी मिलिट्री जीप निकल चुकी थी। ये मिलिट्री जीप काफी हल्की फुल्की होने के कारण देखो गाइस आराम से निकल चुकी है ट्रैक्शन बोर्ड की हेल्प से। इसका सस्पेंशन भी काफी मस्त तरीके से काम करता है बड़े बड़े गड्ढों में भी। तो फिर ये ट्रैक्शन बोर्ड लेकर मैं जिम्नी के पास आ चुका था।
यहाँ पे पीछे के व्हील के अंदर और सामने के व्हील के अंदर मैंने ट्रैक्शन बोर्ड लगाए हैं। देखते हैं गाइस क्या इस बार जिमनी निकल पाएगी या फिर नहीं ट्रैक्शन बोर्ड की हेल्प से। यहाँ से मैं पूरी कोशिश कर रहा था इसको निकालने के लिए पर यह बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी गाइस। देखो इसके व्हील्स गोल गोल घूम रहे, इसको यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रिप नहीं मिल पा रही थी। फिर मैं लेके आया पानी के अंदर हमारी सबसे ज्यादा पावरफुल TRX 4 स्पोर्ट को। देखते हैं गाइस क्या TRX 4 स्पोर्ट जिमनी को यहाँ से निकाल पाएगी या फिर नहीं। ट्रैक्सस TRX 4 के पीछे देखो काफी बड़े बड़े हुक्स थे, हुक्स के अंदर मैंने एक रस्सी बांध दिया, फिर वही रस्सी को जिमनी के सामने के बम्पर से बांध दिया। यहाँ पे मैंने TRX 4 स्पोर्ट को पीछे लेकर एकदम झटके से इसको निकाल दिया है। देखो गाइस काफी आराम से जिमनी इतने गहरे कीचड़ में से भी निकल चुकी है गाइस। मान गए यार यहाँ पे TRX 4 स्पोर्ट्स की पावर को। ओके रेस में तो जीप बार बार जीत रही थी, अब देखते हैं क्या जीप या TRX 4 स्पोर्ट को रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पे काफी ज्यादा गहरा पानी है, देखो गाइस ऑलमोस्ट दोनों ही कार्स पानी के अंदर डूब चुकी थी और पानी के अंदर से ये काफी इजीली निकल भी चुकी है। क्लियरली आप देख सकते हो जीप आगे आगे जा रही थी। अब जैसे ही मैंने सेकंड गियर डाला है TRX 4 की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरे को लगा था कि दोनों के बीच में टाई हो जाएगा क्योंकि देखने में दोनों की स्पीड मेरे को उतनी लग रही थी, पर ट्रैक्सस TRX 4 की स्पीड बहुत ज्यादा दी गई है ये मिलिट्री जीप के मुकाबले में। अब होगी आमने सामने वाली फाइट, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। यहाँ पे मेरे को मिलिट्री जीप बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है क्योंकि देखो गाइस इसने एक झटके में ही जिमनी को पीछे ढकेल के रख दिया। यहाँ पे जिमनी पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, यहाँ पे जिमनी ने ब्रेक्स भी लगा दिया है पूरी तरीके से, फिर भी मिलिट्री जीप ने इसको पुशबैक में हरा के फेंक दिया है यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में कराते हैं पुशबैक, देखते हैं गाइस कौन जीतता है क्योंकि दोनों के अंदर सेम मोटर्स दी गई है। यहाँ पे दोनों कार्स पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को पीछे ढकेलने के लिए, दोनों एक ही जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बना चुके हैं। मेरे को नहीं लगता दोनों में से कोई भी जीतेगा, यहाँ पे दोनों के बीच में कंप्लीटली टाई हो चुका है। ठीक है तो फिर इस बार कराते हैं टग ऑफ और अब पता चलेगा दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। जिमनी इतनी पुरानी होने के बावजूद भी देखो गाइस मिलिट्री जीप को पूरी कर दे रही है, पर इस बार मिलिट्री जीप धीरे धीरे करके जीतने लगी है मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस, क्योंकि इसके व्हील्स जिमनी से थोड़े से ज्यादा बड़े हैं इस वजह से इसको ट्रैक्शन अच्छे से मिल रहा है। क्लियरली यहाँ पे मिलिट्री जीप ने हरा दिया है जिमनी को टग ऑफ वॉर में। अब बहुत ही खतरनाक से कीचड़ के अंदर इन दोनों के बीच में फाइट होगी, देखते हैं गाइस कौन जीता है। यहाँ पे TRX 4 स्पोर्ट्स ने उठा लिया था मिलिट्री जीप को, पर मिलिट्री जीप काफी चालाकी से यहाँ से बच के निकल चुकी है और दोनों के बीच में टाई हो चुका है। ठीक है अब कराते हैं इन दोनों के बीच में राउंड टू, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। मेरे को लगा था गाइस इस बार भी दोनों के बीच में टाई हो जाएगा, पर मिलिट्री जीप ने उठा के फेंक दिया है TRX 4 स्पोर्ट्स को। ठीक है अब कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे दोनों पूरी पावर लगाकर एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कीचड़ कुछ ज्यादा ही गहरा है, मैं इन दोनों को जितनी स्पीड में चला रहा हूँ इन दोनों के व्हील्स उतने ही ज्यादा कीचड़ के अंदर फंस रहे हैं, तो इन दोनों को मैं बाहर लेके आ चुका हूँ मिट्टी के अंदर। कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। क्लियरली यहाँ पे ट्रैक्सस TRX 4 काफी ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है क्योंकि इसके व्हील्स काफी ज्यादा चौड़े हैं, इस वजह से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी के ऊपर ग्रिप मिल रही है। इसी बात का फायदा उठाकर इसने मिलिट्री जीप को हरा दिया है टग ऑफ वॉर में। जहां तक मिलिट्री जीप की वाटर ब्रीडिंग कैपेसिटी की बात करूं गाइस, देखो ये जीप ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पानी में डूब के चल सकती है। एक बार तो मेरे को लगा था कि गाइस इतना ज्यादा पानी में चलाने के बाद ये खराब हो जाएगी, पर ये बिल्कुल भी खराब नहीं हो रही थी गाइस क्योंकि ये एक कंप्लीटली वाटरप्रूफ कार है। बीच बीच में कभी कभार ये बंद पड़ रही थी, बाकी देखो गाइस इतने ज्यादा गहरे पानी में से भी मिलिट्री जीप निकल के आ चुकी है। मान गए भाई मिलिट्री जीप की वाटर ब्रीडिंग कैपेसिटी को और इसकी पावर को। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये मिलिट्री जीप कैसी लगी। तो चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है आर्यन, फरहान, लक्ष्य, नसीर, कौशल, विनायक, शयान, संदीप, गौतम, विहान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।